हाँ भाई, कैसा लग रहा है इंडिया वालों? अरे भैया, हमको तो पहले ही पता था भैया, जब हम आएंगे तो तबाही मचाएंगे। बाकी रोहित भाई, अरे भैया तुमने तो अपना दिखा दिया जलवा, हमको तो एकदम ऐसा मजा सा आ रहा है तुम लोगों का खेल देख के। अरे बताओ, ये टीम है तुम्हारी जो वर्ल्ड कप की दावेदार है? अरे भैया, जब गेंदबाजी करता है मैक्सवेल तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज हो जाते हैं फेल। बाकी कैसा लग रहा है? अबे भाई, मैच हार के तुमको हल्का सा एकदम दुख महसूस तो हो रहा होगा। देखो भाई, मैच तुम हारे हो, ये तुम जानबूझ के थोड़ी हारे हो, वरना तुम बाद में हमसे ये भी कहते हो कि हम जानबूझ के हार गए। अबा भैया, ये हमने तुमको जानबूझ के हराया है। देखो भाई, हम ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, जब चाहे तब और जिसको चाहे उसको ऐसे ही लुल बना देते हैं। अबे जाओ बेटा, रहने दो। अबे भैया, कुछ भी न होना जाना मैक्सवेल। देखो भाई, हम जानबूझ के इस मैच को हारे हैं। हम ये बात पहले ही कहना चाह रहे थे, लेकिन भाई तुमने हमको बोलने का मौका ना दिया। बाकी तुम ऐसी बातें कर रहे हो ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अबे भैया, तुम्हारे मुंह पे ये सुकोड़ा पड़ रहे हैं ना, सुकोड़ा। अबे भाई, सब कुछ एकदम खत्म हो जाता अगर हम थोड़ी देर और बल्लेबाजी कर लेते। ऐसा धुआं भरते तुम्हारे अंदर, एकदम धुआं धुआं होता और पजामे में एकदम छेद हो जाता, धुआं की एकदम लाइन सी निकलती दिखाई देती। अभी बातें कर रहे हो ना, एकदम टबक टबक। अब भैया, सब कुछ खत्म हो जाता, एकदम जलेबी जूड़ा करके चलूंगी तेरी गैल, ऐसा हो जाता तुम्हारे काम, समझे? अबे रोहित भाई, रहने दो। अब भैया, काय के लिए छोड़ रहे हो ये बातों के गोला? हमको ऐसा लग रहा है तुमने भैया मैदान में उतरने से पहले खा लिए थे कोई चटपटे वाले पोला। देखो भाई, स्टार्टिंग में तो तुमने माना मैंने बढ़िया बल्लेबाजी करी है, लेकिन भाई जलवा हमारा भी कम ना रहा है। अब भाई, ऐसा ठोका तुमको आज, कोई क्या तुम्हारे बताओ खाज, करेंगे हम दुनिया पे राज, कसेगा सर पे हमारे ताज, चैंपियन बन जाएंगे, हमारे विरोधी हमारे आगे से ग्राउंड छोड़ के भग जाएंगे, समझे भैया हम क्या कहना चाह रहे? देखो भाई, इस बार वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। देखो, हमारा जलवा तो तुमने देख ही लिया है, हम जब भी खेलते हैं सबको पेलते हैं। बाकी तुम्हारा ये गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, भाई गेंदबाज तो तगड़ा है, लेकिन हमने इसको भी ठोका है। अबे ओए ससुरी के नालायक हरामखोर, अबे फटे हुए पजामे की नालायक अम्मा, अबे ससुरी वाले ढोलक जैसा है तेरा मुंह, और जीतो कर रहा है कुर्सी से खड़े होकर तेरे मुंह में तीन चार रैपट खड़े होकर तुरंत तुरंत दू। अबे भाई, बातें करे जा रहे हमारे आगे। अबे तू जानता भी है हमारी गेंदबाजी का जलवा? अबे भैया, पूरी दुनिया में हम राज करते हैं, राज नाम है हमारा जसप्रीत बुमराह, और अपनी गेंदबाजी से कर देते हैं अच्छे अच्छों के एकदम खाज, एकदम गुमराह कर देते हैं सबको। तुमने देखा ना है हमारा जलवा? अबे पजामा सा फट जाएगा मिचेल मार्श। माना तुमने बल्लेबाजी करी है, लेकिन भाई हमने तुमको बल्लेबाजी करवाई है, ऐसा कभी ना बोलना कि हमने बल्लेबाजी कर दी। देखो भाई, हम चाहते ना जब तुमको लुल बना देते, लेकिन हमने तुमको जानबूझ के आउट ना किया है, समझे? अबे रहने दो बुमराह भाई, रहने दो। अबा भैया, इनको ऐसे समझ में ना आने का, इनको समझ में जब ही आएगा जब मैदान में एकदम इनका एकदम पजामा सा फाड़ देंगे, एकदम झोला सा टंगा दिखेगा, कच्चा पैंट पजामा सब कुछ एकदम फट जाएगा, धुआं सा निकल जाएगा।